दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ गंगा के किनारे बाएं तट पर महाभारत काल का सबसे प्रसिद्ध एवं चर्चित महानगर हस्तिनापुर स्थित था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास स्थित इस जगह के लिए ही कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था। कौरवों की यह राजधानी भीष्म पितामह जैसे महावीरों, अर्जुन जैसे धनुर्धारियों एवं दुर्योधन जैसे अहंकारियों के क्रियाकलाप के कारण भारतवर्ष के समस्त राज्यनिर्माण की नीति निर्धारण का केंद्र रही थी। महाभारत में इस शब्द का सजीव शाब्दिक चित्रण हुआ था। इस ग्रंथ में इस नगर की विविधता, विशिष्टता एवं सुंदरता को कई स्थानों पर वर्णित किया गया है। उस काल में गंगा नदी उस महानगर के पार्श्व में होकर बहती थी, जबकि आज वहां गंगा की घाटी भी देखी जा सकती है, जिसे इन दिनों स्थानीय लोग बूढ़ी गंगा कहते हैं। पौराणिक पुस्तकों के अनुसार नगर की स्थापना हस्तिन ने की थी और उसी के नाम पर इस जगह का नाम हस्तिनापुर रखा गया। पाणिनि ने इस नगर को हस्तिनापुर कहा है। विष्णु पुराण में लिखे जाने तक गंगा के प्रवाह के कारण नगर का काफी भाग नष्ट हो चुका था। विष्णु पुराण में ही एक अन्य प्रसंग के अनुसार परीक्षित के वंशज को गंगा प्रवाह में इस राजधानी को नष्ट हुआ देख अपने देश की राजधानी वत्स देश की नगरी कौशाम्बी को बनाना पड़ा था। पुरातत्व विभाग इस नगर की स्थिति एवं स्मृति को ईसा से 1000 वर्ष पूर्व की स्वीकारता है। इस नगर का नामकरण हाथियों की अधिकता के कारण हस्तिनापुर पड़ा था, यह भी कहा जाता है। इसे कभी गजपुर भी कहा जाता था, किंतु कालांतर में पुरुवंशी वृत्तछत्र के पुत्र हस्तिन के नाम पर यह नगर हस्तिनापुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। महाभारत काल के बाद यहाँ नाग जाति का वैभव फैलने लगा, अतः इस नगरी को नागपुर भी कहा जाने लगा। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का नायक दुष्यंत भी यहीं का शासक था। अन्य परंपरा के अनुसार राजा वृषभदेव ने अपने संबंधी कुरु को कुरुक्षेत्र का राज्य दिया था। इस कुरु वंश के हस्तिना ने गंगा तट पर हस्तिनापुर की नींव डाली थी। हस्तिनापुर में हिंदू और जैन धर्म के पवित्र स्थल पाए जाते हैं। यहाँ के मशहूर स्थल जैसे पांडेश्वर मंदिर, करण मंदिर और कमल मंदिर भी शामिल हैं। जैन लोगों के लिए इस जगह में दिगंबर जैन का बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। मंदिरों के अलावा यहाँ कैलाश पर्वत, अष्टपथ और हस्तिनापुर वन्य जीव भी हैं, जिसे 1986 में स्थापित किया गया है। जब 1857 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता कनिंघल और 1880 में फ्यूहर ने भी हस्तिनापुर का दौरा किया। इसके बाद पुराने टीले की खुदाई कराई गई तो यहाँ से महाभारत कालीन धूसर मृद भांड और कई दूसरी सभ्यताओं के अवशेष मिले। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस टीले को संरक्षित घोषित किया है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते रहिए खोजबीन चैनल। धन्यवाद।